इसका यूज क्या हो सकता है, किसका यूज किया जाता है विस्की में और बियर में और जितनी भी होती है शराब वगैरह उनमें यूज किया जाता है इसका। कहीं इसका 10% सॉल्यूशन, कहीं 35% सॉल्यूशन यूज किया जाता है, तो उसके हिसाब से इनमें नशा भी होता है। जिसमें 35% सॉल्यूशन होगा उसमें ज्यादा नशा होगा, इसमें 10% होगा उसमें कम नशा होगा, किसी में 15 से 20% यूज किया जाता है। खैर, अब हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होंगे अल्कोहल पीने के, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होंगे, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। पहला, ये हमारी ऑप्टिक नर्व को, ऑप्टिक नर्व को भी डैमेज करती है, जिससे कि हमें कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, लो विजन हमारा हो जाता है या वीक विजन हमारा हो जाता है, कम दिखाई देने लगता है, हमारी एक्टिविटीज को स्लो बना देती है, हमारे ब्रेन को स्लो बना देती है, ये ब्रेन को स्लो बना देती है, ब्रेन को स्लो या एक्टिविटीज को, जब ब्रेन स्लो होगा तो एक्टिविटीज भी स्लो होगी, एक्टिविटीज। तीसरा, यदि किसी व्यक्ति ने आपका अल्कोहल ले रखी है तो वो डिसीजन नहीं कर पाता, या हमारी डिसीजन टेकिंग पावर को घटाती है, डिसीजन टेकिंग पावर को घटाती है। चौथा, आपको पता ही है लंग्स, लंग्स पर, लीवर पर बैड इफेक्ट रखती है ये आपका, उनकी भी परफॉर्मेंस को घटाती है और कैंसर भी इससे हमें होता है। अब लास्ट है हमारा, दैट इज डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल का क्या कंसेप्ट है या क्या मतलब है? डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब है कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वहां पर अल्कोहल का बहुत यूज है, वो तो मैंने आपको अभी बताया, केमिकल रिएक्शंस इतनी कराई थी आपको, या फिर अभी इसके यूजेस बताए थे, तो बहुत सारा इसका यूज है, जैसे कि पेंट्स बनाने में, परफ्यूम्स, मेडिसिन बनाने में, वेनिशेस बनाने में, सोप्स बनाने में, सिंथेटिक रबर बनाने में, डाइज बनाने में, हर जगह इसका यूज है। अब इंडस्ट्रीज में इसलिए अल्कोहल को प्रोवाइड किया जाता है, अल्कोहल प्रोवाइड की जाती है एट मिनिमम पॉसिबल रेट, मिनिमम पॉसिबल रेट पर, समझ रहे हैं, मतलब कम से कम पैसे पर आपकी प्रोवाइड की जाती है, जो इसका बाजार में रेट है उससे बहुत ही कम पैसे पर। तो कहीं इसका गलत यूज ना हो, इसका गलत यूज ना हो, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, गलत यूज ना हो या ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इसलिए अल्कोहल को डीनेचर्ड बनाया जाता है। डीनेचर्ड यानी कि जो उसका नेचर है उससे बिल्कुल विपरीत, इसमें हम कुछ मात्रा में, बहुत ही कम अमाउंट में मिथेनॉल यानी कि CH3OH और या पायरिडीन या और भी जो कंपाउंड्स हैं उन्हें मिला देते हैं, जिससे कि ये डीनेचर्ड हो जाती है। डीनेचर्ड का मतलब अब इसका कोई यूज नहीं कर सकता, गलत यूज नहीं कर सकता, इसे कोई पी नहीं सकता, ड्रिंक नहीं कर सकता, अगर ड्रिंक करेगा तो भगवान को प्यारा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है उसे पॉइजनस बना देते हैं। मिथेनॉल डायरेक्ट अटैक करती है ऑप्टिक नर्व पर और आपको हमेशा के लिए अंधा कर देती है, अंधा। या आपने सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, बिहार वगैरह में ज्यादा मरते हैं, तो वे भी इसी कारण मरते हैं, क्योंकि वो मिथेनॉल वगैरह उसमें मिली रहती है, मिथेनॉल की वजह से डेथ भी हो जाती है, अंधे तो हो ही जाते हैं, डेथ भी हो जाती है, क्योंकि वो डीनेचर्ड अल्कोहल होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे
इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, उसकी भी सारी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, सारी चीजें कवर करेंगे, और उसके बाद सोप और डिटर्जेंट, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।